गाइज व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। आज के वीडियो में हम बात करेंगे द मॉम्स को के प्रोडक्ट्स के बारे में, और ये वीडियो 3 डिफरेंट पार्ट्स में होगा जहाँ पे कि हम बात करेंगे इनके प्रोटीन शैम्पू के बारे में, इनकी अंडर आई क्रीम के बारे में और इनकी नाइट क्रीम के बारे में। पहले मैं एक कंबाइंड वीडियो करने वाली थी, बट देन आई थॉट अगर आपको सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ही इंटरेस्ट हो तो आपको क्यों अननेसेसरली पूरी वीडियो या फिर बाकी के प्रोडक्ट्स देखने पड़े, तो इसलिए मैं इस वीडियो को छोटे छोटे 3 डिफरेंट पार्ट्स में करने वाली हूँ। और हर वीडियो का लिंक आपको सारे ही वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप पर्टिकुलरली जो प्रोडक्ट देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हैं। इसके पहले कि हम प्रोडक्ट्स की डिटेल में जाएं, मैं आपको थोड़ा सा इस ब्रांड के बारे में बताना चाहती हूँ। तो मैंने इस ब्रांड के बारे में काफी पहले सुना था, लेकिन मैंने सिर्फ इस इग्नोरेंस में इसको कभी ट्राई नहीं किया कि मुझे लगा नाम सुन के कि द मॉम्स को, मतलब इसके जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो शायद सिर्फ उन्हीं फीमेल्स के लिए बने हैं जो या तो कंसीव कर रही हैं या प्रेग्नेंट हैं या पोस्ट डिलीवरी। सो मैं सोचती थी कि शायद ये प्रोडक्ट्स अभी मेरे किसी काम के हैं नहीं, लेकिन उसके बाद जब मैं वेबसाइट पे गई, मैंने फर्दर डिग इन किया तो आई रियलाइज कि काफी सारे वहां पे स्किन केयर, हेयर केयर रिलेटेड ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप अगर प्रेग्नेंट नहीं भी हैं तो भी आपके काम आ सकते हैं और आपको ट्राई करने चाहिए। ऑल्सो द फैक्ट कि ओरिजिनली जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तो इन्होंने जितने अपने प्रोडक्ट्स थे वो ऐसी न्यू मॉम्स वगैरह के लिए बनाए थे या जिनको आप प्रेग्नेंसी में भी सेफली यूज कर सको, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए थे। तो डेफिनेटली इनका फॉर्मुलेशन जो है काफी रिलायबल हो सकता है, उन्होंने काफी छोटी छोटी बातों का ध्यान दिया होगा, तो एक वो फैक्टर होता है कि आप इस ब्रांड को थोड़ा हद तक ट्रस्ट कर सकते हो। दूसरा, जब मैं इनके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में गई तो वो भी काफी ट्रांसपेरेंट है, बिकॉज सिर्फ ये नहीं कि बैक के पीछे उन्होंने जितने लिस्ट दी हुई है वो तो दी ही हुई है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आप जब वेबसाइट पर जाते हो तो आपको हर एक इंग्रीडियंट का सोर्स भी वहां पर बताया हुआ है कि कौन से प्लांट या ऑयल या क्या सोर्स से वो पर्टिकुलर इंग्रीडियंट डिराइव्ड है, तो वो काफी ज्यादा एक ट्रांसपेरेंट फैक्टर लगा मुझे। तीसरी अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये लोग अपने कोई भी प्रोडक्ट्स में सिंथेटिक फ्रेग्रेंस यूज नहीं करते हैं, सिर्फ जो एसेंशियल ऑयल्स से फ्रेग्रेंस होती है उसको यूज करते हैं, विच प्रमोट्स नॉन फ्रेग्रेंस ब्यूटी प्रोडक्ट्स और स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट्स, विच इज अ ग्रेट थिंग। ऑल्सो नीडलेस टू से कि इनके प्रोडक्ट्स में भी सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, तो इनके प्रोडक्ट्स कोई भी पेरेबिन, सिलिकॉन, मिनरल, इस तरीके के हार्श केमिकल्स इन्वॉल्व नहीं करते। बाय द वे FYI दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड, इज जस्ट कि मेरी ड्यूटी बनती है कि जब कभी आई कम अक्रॉस सच ब्रांड्स और मे बी प्रोडक्ट्स जो कि एक्चुअली सिर्फ अच्छे नहीं होते इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स, बट ऑल्सो उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पूरी क्लीन होती है, उनके इंग्रेडिएंट्स में ट्रांसपेरेंसी होती है, उनकी वेबसाइट में ट्रांसपेरेंसी होती है, पैकेजिंग में कुछ भी सस्पिशियस नहीं होता, तो इस तरीके की चीजें मुझे अच्छी लगती हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आप लोग से ज्यादा मैं एक्साइटेड होती हूँ वो वीडियोस करने के लिए, एंड ऑल्सो स्पेशली विद दीज प्रोडक्ट्स मुझे इनके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव मिले हैं, तो इसलिए आई जस्ट कुडंट रेजिस्ट डूइंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आए। आज के वीडियो में जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं दैट्स गोइंग टू बी देयर नेचुरल प्रोटीन शैम्पू। दैट्स हाउ द बॉटल लुक्स। ये एक 200 ml की बॉटल है, पंप स्टाइल बॉटल है जो 429 रुपीज की आती है। इनका पूरा जो प्रोटीन बंडल है उसमें 2 प्रोडक्ट्स आते हैं, एक शैम्पू और एक कंडीशनर, और वो आई थिंक 686 रुपीज या 700 समथिंग लाइक दैट की आती है। पर पहले मुझे लगा कि मैं सिर्फ शैम्पू मंगा के ट्राई करती हूँ और अगर मुझे ठीक लगेगा तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम एक कॉम्बो सेट मंगा सकती हूँ, तो इस बार मैंने सिर्फ और सिर्फ शैम्पू लिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी एक एंटी हेयर फॉल किट भी आती है जो एक कंप्लीट रेंज है, उसमें 4 प्रोडक्ट्स हैं, वो आई थिंक 1600 रुपए या ऐसे कुछ की है वो भी, एंड फॉर द सेम रीजन मैंने वो नहीं ली थी, बट जस्ट द शैम्पू इज व्हाट आई ट्राइड। नाउ इफ आई पर्टिकुलरली टॉक अबाउट दिस शैम्पू only, this is such a mild shampoo। इसका texture बिल्कुल clear है, एकदम water like, और बालों पे बहुत ही softly ये बालों को wash करता है। like the cleansing process of it is very gentle, like it आपकी scalp भी बिल्कुल greasy नहीं रहती, अच्छे से clean हो जाती है, but at the same time it does not strip off your scalp from the essential oils, so you don't feel that scratchy वाला feeling, आपका scalp itchy और dry नहीं रहता, clean हो जाता है लेकिन फिर भी nourished रहता है। and at the same टाइम आप जब आपके बाल सूख जाएंगे इवन आफ्टर एयर ड्राइंग एंड व्हेन यू लाइक टच योर हेयर लाइक दिस, आपके बाल आपको इंस्टेंटली काफी सॉफ्ट और शाइनी दिखेंगे। आई थिंक इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। आई एम एक्चुअली कंसिडरिंग बाइंग अ सेकंड बॉटल ऑफ दिस। ये अभी ऑलमोस्ट तकरीबन यहाँ तक आ चुका है और मैंने पिछले पूरे महीने इसी को यूज किया था। द मॉम्स को के बाकी सारे प्रोडक्ट्स की तरह इवन इस पैक के पीछे भी आपको फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट मिल जाएगी डिटेल में देखने के लिए। लेकिन अगर मैं इसके मेन इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसमें आपको मिलता है कोकोनट बेस्ड क्लेंजर्स विद व्हीट एंड सिल्क प्रोटीन। ऑल्सो इस प्रोडक्ट का क्लेम है दैट इट स्ट्रेंथन्स एंड एड्स वॉल्यूम्स एंड शाइन, विच आई एब्सोल्युटली अग्री। आई थिंक इट डज द जॉब जस्ट फाइन। नाउ तरीका इसको यूज करने का ये है कि थोड़ी सी क्वांटिटी आप लीजिए और उसको पानी में डाइल्यूट करके आप लगाइए, क्योंकि इसमें काफी जेंटल लो लैदरिंग कोको बेस्ड क्लेंजर्स हैं, तो आपको बहुत अच्छा प्रॉपर लैदर वाला एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा जिससे कि अच्छे से आपका हेड क्लीन हो पाएगा। नाउ आई फील दैट इट्स अ गुड थिंग इन अ वे, बिकॉज जब टेक्सचर को काफी ज्यादा सिल्की या मिल्की या थिक बनाना पड़ता है तो उसके लिए उसमें काफी सारा मिनरल ऑयल भी डालना पड़ता है जो कि इसमें नहीं है। तो दैट इज एक्चुअली अ गुड थिंग। लाइक कई लोग कंप्लेन कर सकते हैं कि इससे तो बाल अच्छे से वॉश ही नहीं होते, स्कैल्प अच्छे से क्लीन ही नहीं होता, बिकॉज फीलिंग ही नहीं आती, झाग ही नहीं बनता। लेकिन यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको प्योरिटी चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, अगर आप चाहते इसमें नेचुरल चीजें ज्यादा हैं, मिनरल, SLS, सल्फेट्स ये सब कम हो, तो ऑब्वियसली आपका वो जो फील गुड एक्सपीरियंस ऑफ शैम्पू है वो भी कुछ हद तक सफर करेगा। बट दैट्स अ वेरी स्मॉल प्राइस टू पे आई फील। एंड हैविंग सेड दैट, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, इसकी बिल्कुल जरा सी क्वांटिटी नहीं काफी होगी, थोड़ा सा ये ज्यादा लगता है लेकिन ये वर्थ इट है। और अगर आप उसको पानी के साथ डाइल्यूट कर लेते हैं तो ऐसा नहीं कि आपकी बॉटल जो है 10 बार में खत्म हो जाएगी, काफी अच्छी खासी लंबे टाइम के लिए चलती है ये। बस तरीका आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बहुत हैवी ऑयलिंग कर रखी होगी पिछली रात तो ये थोड़ी सी क्वांटिटी में नहीं ठीक करेगा, लेकिन अगर ज्यादा ऑयलिंग नहीं कर रखी है, बाल ज्यादा ग्रीजी नहीं है, तो फिर थोड़ी सी क्वांटिटी में भी आपके बाल अच्छे से वॉश हो जाएंगे। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है जो सारा मैजिक करते हैं, नंबर 1 इसमें हाइड्रोलाइज सिल्क प्रोटीन है जो कि आपके बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाता है। उसके अलावा इसमें हाइड्रोलाइज्ड व्हीट प्रोटीन है जो आपके बालों को स्ट्रेंथ देगा। मोरओवर दिस हैज गॉट बीटरूट एक्सट्रैक्ट्स ऑल्सो विच आर सुपर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, और ये आपके हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है और हेयर फॉल को प्रिवेंट करता है। ऑल्सो इसमें कोको बेस्ड क्लेंजर्स हैं जो कि बहुत जेंटली आपके स्कैल्प और बालों को क्लीन करेगा। मैं यूजुअली जब भी कोई भी शैम्पू यूज करती हूँ, नॉट जस्ट दिस बट जब कोई भी शैम्पू यूज करती हूँ, तो मेरी आदत है कि 15-20 मिनट के बाद जब बाल आधे गीले सूखे होते हैं तो मैं थोड़ा सा सेरम लेके अपने हेयर लेंथ पे जरूर लगाती हूँ। उससे बाल डिटैंगल आसानी से हो जाते हैं, टूटते कम है और बाल टच करने में बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आई थिंक आपके भी हेयर केयर रूटीन में वो एक असेंशियल पार्ट होना चाहिए, चाहे जिस भी ब्रांड का आप ट्रस्ट करते हो। कोई भी अच्छा सा हेयर सेरम में आप भी इन्वेस्ट करो तो आपका शैम्पूइंग एक्सपीरियंस पूरा अच्छा हो जाएगा। ऑल इन ऑल आई थिंक इट इज अ रियली गुड शैम्पू। मैं शायद अब इसकी दूसरी बॉटल भी ले लूंगी और शायद कंडीशनर भी मैं इसका ले लूंगी। बाकी सारे जो मॉम्स को के प्रोडक्ट्स हैं उसकी तरह इसमें भी आपको कोई SLS एंड सल्फेट्स एंड पेराबेन्स एंड सिलिकॉन और हार्मफुल केमिकल्स वो सब कुछ नहीं मिलेगा। इसमें काफी जेंटल इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आप विंटर्स के लिए भी एक अच्छा सा शैम्पू ढूंढ रहे हो जो डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम को भी थोड़ा सा ठीक कर सके, तो ये एक अच्छा कंसिडरेशन हो सकता है। लाइक लिटरली इसका टेक्सचर ना बिल्कुल पानी जैसा दिखता है, एकदम क्लियर है, बहुत ही क्लियर है। एंड द fragrance is quite pleasant, like you enjoy the shampoo experience with this one. And जैसे कि मैंने बोला कि इनमें जो भी fragrance है वो synthetic नहीं है, वो essential oil से derive करी हुई है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। So I think everything in this product is to totally love. Alright guys, so that's all for this video that I had to share with you guys. I hope that you found it useful. If you did, then please hit the like button, and if you're new here, please do consider subscribing before leaving. That will mean a lot to me. And with that said, I'm going to be taking your leave guys. बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी अपने next video में। तब तक के लिए take care of yourselves. I love you all and stay beautiful.